अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। राजस्थान सरकार ने केंद्र से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर चना खरीद के लिए एक महीने का और वक्त मांगा है, ताकि किसानों को लाभ मिले और इसकी खरीद को लेकर दिए गए टारगेट को पूरा किया जा सके। अभी राजस्थान केंद्र द्वारा दिए गए खरीद टारगेट से काफी पीछे है। सूबे के सहकारी मंत्री उदय लाल आंजुरा ने बताया कि जब खरीद की शुरुआत हुई थी तब चने का भाव ओपन मार्केट में MSP से ज्यादा था। बाजार भाव ज्यादा होने से किसानों ने MSP पर चना बेचने में रुचि नहीं ली, लेकिन अब बाजार भाव कम होने से किसान MSP पर चना बेचने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इसलिए खरीद की तारीख एक महीने के लिए बढ़ा दी जाए। अंजुना ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य में चना की खरीद 1 अप्रैल से हुई थी। किसानों की सुविधा के लिए 635 खरीद केंद्र बनाए गए थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 29 जून तक पूरी हुई खरीद में राजस्थान स्टेट ऑफ कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा बता दें कि 1,29,957 किसानों से 2.98 लाख मीट्रिक टन चना खरीदा गया है, जिसके बदले उन्हें 1,562 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई। बता दें कि राजस्थान प्रमुख चना उत्पादक प्रदेश है, जहां इस साल इसका उत्पादन रिकॉर्ड 27.2 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें से 3 लाख मीट्रिक टन की भी सहकारी खरीद नहीं हुई है, जबकि 5.98 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया गया था। चने की सबसे ज्यादा 8.02 लाख मीट्रिक टन खरीद मध्य प्रदेश में हुई है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां पर 7.60 लाख मीट्रिक टन चना खरीदा जा चुका है। गुजरात में भी 5.95 लाख मीट्रिक टन चना खरीदा गया है। मैं बता दें कि सहकारिता मंत्री अंजना ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सरसों के MSP 5,050 रुपये प्रति क्विंटल घोषित की गई है, जबकि राज्य के विभिन्न मंडियों में सरसों समर्थन मूल्य से ऊपर के रेट पर लगभग बता दें कि 7,200 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही है। राज्य में सरसों का बाजार भाव ज्यादा होने के कारण किसानों को इसका अच्छा फायदा मिला है। ऐसे में उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को सरसों बेचने में रुचि नहीं ली है। वहीं सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने चना खरीद के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रबी सीजन वर्ष 2021-22 में 17,464 मीट्रिक टन चना 8,599 किसानों से खरीदा गया था। वहीं बता दें जिसकी राशि लगभग 90 करोड़ रुपए थी। पिछले सीजन की तुलना में इस सीजन में 1,562 करोड़ रुपए की खरीद 1.29 लाख किसानों से की गई है, जो उत्साहजनक है। किसानों को उपज बेचने के लिए उन्हें गांव के नजदीक ही खरीद केंद्र की सुविधा दी गई थी। वहीं राजफेड की MD उर्मिला राजोरिया ने बताया कि इस साल 1,48,777 किसानों ने चना बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। वहीं इस सभी को चना बेचने की तारीख आवंटित की गई थी, लेकिन इसमें से मात्र 1,29,957 किसानों ने ही चना बेचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।